सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की रिलीज के 2 हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर हालत बिगड़ चुकी है। फिल्म को सिंगल डिजिट में कमाई करने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए टाइगर फ्रेंचाइजी की 3री इंस्टॉलमेंट और YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म सलमान खान स्टार टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की थी। फिल्म ने 44 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग की थी और शुरुआती हफ्ते में भी धुआंधार कारोबार किया था, लेकिन रिलीज के दूसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद फिल्म की कमाई को जैसे कि ग्रहण लग गया। टाइगर 3 की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होती जा रही है और अब ये चंद करोड़ कमाने के लिए भी टिकट खिड़की पर काफी संघर्ष कर रही है। देखिए बात की जाए तो एक्शन थ्रिलर ड्रामा टाइगर 3 साल की मोस्ट अवेटेड रिलीज में से एक थी और दिवाली रिलीज ये फिल्म सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर बनी और बॉक्स ऑफिस पर इसका पहला हफ्ता भी काफी शानदार रहा। हालांकि टाइगर 3 का क्रेज दूसरे हफ्ते में एंट्री करते ही कम होता हुआ और आलम यह है कि ऐसे कमाई के अब लाले पड़े हैं। टाइगर 3 ने रिलीज के पहले हफ्ते में 187.65 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके बाद लग रहा था कि दूसरे हफ्ते में आराम से 300 करोड़ तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए फिल्म 250 करोड़ कमाने के भी पीछे पड़ी है। देखिए फिल्म की दूसरे हफ्ते की कमाई की बात करते इसने दूसरे संडे में 10.5 करोड़ कमाए, सेकेंड मंडे में 7.35 करोड़ और मंगलवार को 6.7 करोड़ और बुधवार को फिल्म का कलेक्शन 5.81 करोड़ रुपए रहा। वहीं अब टाइगर 3 की रिलीज के दूसरे गुरुवार की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी आ गए हैं जो कि बेहद ही शॉकिंग है, यानी कि टाइगर 3 के लिए 300 करोड़ कमाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है।